हमारे देश में या फिर दुनिया के किसी भी और देश में जो सबसे मुश्किल काम माना जाता है वो होता है घर खरीदना या घर बनाना। और अपना घर खरीदने के लिए एक इंसान जितना पैसा खर्च करता है उतना पैसा वो किसी भी और काम में खर्च नहीं करता। पर जापान में वहाँ की सरकार और लोकल अथॉरिटीज फ्री में घर बांट रहे हैं, और जापान में इन फ्री में मिलने वाले घरों को कहते हैं अकिया। और ये घर सिर्फ जापानी लोग नहीं बल्कि आपके और मेरे जैसे विदेशी लोग भी ले सकते हैं। पर फ्री में मिलने के बावजूद लोग इन घरों को क्यों नहीं ले रहे हैं, हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन से बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2010 में जापान की आबादी थी 12.85 करोड़, और इसके बाद से इनकी आबादी लगातार तेजी से गिर ही रही है। लोग अपने करियर पर हद से ज्यादा फोकस कर रहे हैं और सारे के सारे जापानी जापान के बड़े बड़े शहरों जैसे कि टोक्यो में रहना चाहते हैं, और टोक्यो बन चुका है दुनिया का सबसे महंगा शहर। अपने बड़े शहरों पर जनसंख्या के पड़ने वाले इस दबाव को कम करने के लिए जापानी सरकार जापान के लोकल लोगों और विदेशियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री में घर दे रही है।